नेता जी की आपत्तिजनक बात कही गई थी उसी को लेके मार्च निकाला गया है। जिस तरीके से ये तमाम कार्यकर्ता है जनपद रोड पर, जनपद रोड से लेके सोनिया गांधी के घर तक जा रहे हैं, हम आपको आपको पल पल के अपडेट दिखा रहे हैं। आप मैं अपने कैमरे पर बताऊंगी, आपको विजुअल दिखाते रहे, आपको विजुअल दिखाते रहे किस तरीके से आप रोज प्रदर्शन निकाला जा रहा है। हर बार प्रधानमंत्री के ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपत्तिजनक बातें कही जा रही है, हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से नारा निकाल नारा लगाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी देखिए ये रैली घर तरफ जा रही है, मैं आपको दिखा बिल्कुल दिखा रही हूँ, आपको पल पल की अपडेट्स मिलती रहेगी। ये देखिए सीआरपीएफ जवान भी है, हम आपको देख रहे हैं यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया है। सोनिया गांधी के घर के आगे तक जाने की अनुमति नहीं दी गई है। ये कैसे कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर चढ़ रहे हैं और आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए हम आपको देख रहे हैं ये बैरिकेड सोने की कोशिश है उसको बचा कर आक्रोश प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है और सोनिया गांधी को उनको माफी मांगने के लिए प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे सियासत के जवान भी खड़े हैं और जिस तरीके से कर दिया गया है मैं आपको पल पल से अपडेट दे रही हूँ जिस तरीके से ये जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये आक्रोश प्रदर्शन सोनिया गांधी के घर तक जा रहा है और हम आपको बता रहे हैं कि आगे भी एक बार ब्रेक काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं, सेफ्टी की भी बात रखी गई है यहाँ पर, लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो इतने आक्रोश में है कि देश के प्रधानमंत्री के पिताजी के लिए इन आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। मेरे कार्यक्रम आपको ये सारी वीडियो दिखाया किस तरीके से क्रिकेटर्स के ऊपर लोग चढ़ करके, देखिए वो आज शुरुआत तक भी क्रिकेटर्स के ऊपर चढ़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी भारी संख्या में पुलिस पर तैनात कर दिए गए हैं, वो उन्हें रोक रहे हैं। हम आपको अपडेट दे रहे हैं कभी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह से उनके दस्ता रावण वाला कहा जाता है, देश के प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस आपत्तिजनक बात कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। इस बार भी उनके दिव्यांग पिता के लिए आपत्तिजनक बात कही है, इस तरह का आक्रोश प्रदर्शन देखने की कोशिश तो होगा ही। हम आपको दिखाएंगे
तुम लो 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 ऋषभ अमिषा अरे मीडिया वाले को ये देखिए किस तरीके से क्रिकेटर के ऊपर खड़े होकर यहाँ से पंचोला गांव के तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पर के ऊपर सारी पुलिस पर तैनात कर दी गई है। यहाँ पर हम अपने थाने पर कल से अपने दे रहे हैं। किस तरीके से लोगों में आक्रोश है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का पत्थर बातें कहना बेहद ही निंदनीय बात होती है, लेकिन ये देखिए ये आगे बढ़ चुके हैं, विकेट तोड़ के ये आगे बढ़ चुके हैं, और ये देखिए ये विकेट तोड़ के ये आलोक आगे बढ़ रहे हैं। एक विकेट और आगे लगाया गया है कि वो सोनिया गांधी के घर तक ना जाए, हर मुमकिन कोशिश करी जा रही है कि सोनिया गांधी के घर तक ना पहुंच पाए बीजेपी कार्यकर्ता, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं में हर आक्रोश देखने को मिला है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी आपत्तिजनक बात क्यों कही गई है। हम आपको अपडेट दे रहे हैं पलपल की किस तरीके से पुलिस बलों ने आगे बढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से अरेस्ट हो चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता एक तरीके का पांच जनक बात कर रहा है, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, ये कांग्रेस का दिवालिया बन दिखाता है, कांग्रेस माफी मांगे और कौन किया को बर्खास्त करे। नहीं है, फिलहाल
ये प्रदर्शन अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। दो पुलिस बैंड कार्यकर्ताओं को पुलिस थाने ले गई, पुलिस स्टेशन ले गई, वहाँ पर कुछ कार्यवाही होगी। अब ये प्रदर्शन बिल्कुल शांत हो चुका है, थम चुका है। मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगी जिस तरीके से पुलिस फोर्स की तैनात थी, यहाँ पे तैनात की गई थी। इन्हीं पुलिस फोर्सों ने दो बैंडों में कार्यकर्ताओं को भरकर पुलिस स्टेशन ले गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे MGB News।